तो लोकसभा से गृह मंत्री अमित शाह को लाइव सुन रहे थे आप, और अब रुख करते हैं अगली खबर का। मैनपुरी थाना कुर्रा क्षेत्र के ग्राम घुसपुर में पूर्व दिनों हुई लूट की घटना का खुलासा कर दिया गया। अपर पुलिस अधीक्षक राजेश कुमार ने बताया कि पकड़ा गया युवक कई आपराधिक घटनाओं में लिप्त है। आरोपी किरण सिंह कई समय से छुटपुट घटनाओं को अंजाम दिया करता था, जिसके चलते उसने एक महिला के घर में घुसकर 1,70,000 की चोरी की वारदात को अंजाम दिया था। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। वहीं आरोपी के पास से एक अवैध तमंचा, 2 मोबाइल, 25,000 रुपये नकद बरामद किए गए हैं। कुर्रा पुलिस ने एक साथी चोर को पकड़ा है। बीते माह आप देखेंगे तो 20 तारीख की रात में घुसुपुर गांव में एक महेश सिंह है, उनके घर में चोरी हुई थी और उनका करीब 1,70,000 रुपये और कुछ और सामान चला गया था। तो जो इसमें चोरी की घटना किया था किरण पाल सिंह, उसको गिरफ्तार कर लिया गया है। उसके पास से जो चोरी का पैसा था करीब 25,000 रुपये कैश मिला है। उसने मोबाइल खरीद लिया था उस चोरी के पैसे से, मोबाइल भी बरामद हुआ है। तो इस प्रकार देखेंगे कुल 70,000 के लगभग बरामद हुआ है। और हालांकि घटना में उन्होंने बताया था करीब 3.5 लाख के रुपए नकदी चोरी होने का, लेकिन इसका कहना है कि 1,70,000 रुपये वहाँ पे चोरी में उसको मिला था। और इसके पास से तमंचा आदमी मिला है, पूरा पैसा मिला है, मोबाइल फोन बरामद हुए हैं। इस प्रकार ये जो चोरी की घटना का खुलासा कुर्रा पुलिस को करने में सफलता मिली। इसका आपराधिक इतिहास भी है कुछ? ये पहले भी छोटी मोटी चोरियां किया है, लेकिन पहले प्रकाश में नहीं आया था। और इस बार इस पे चूंकि पहले भी संदेह था, ये उनके घर गया था एक बार और वहाँ पे किसी को पैसा दे रहे थे, उसको उसने देख लिया था कि पैसा वो कहाँ रखते हैं और फिर दीवार फाड़कर इसने चोरी की घटना की। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर का अपडेट आप तक पहुंचे तुरंत। आप हमें इंस्टा, ट्विटर और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। हमारी आईडी है @jmdnews/